I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. Beach your hat. हमने अब हम इतने खुश हैं, जब से मैंने पीछे हट सुना है तब से मेरे प्लेलिस्ट में पीछे हट पीछे हट पीछे हट चल रहा है। अशोक पीछे हटते ही जा रहा है। नहीं पीछे नहीं हट रहा, मैं खाली सुन रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पहले इतना अपसेट थे कि हम लोग इतना मिल नहीं पा रहे और कोक स्टूडियो तभी ला रहा है बट अब हम मिल भी रहे हैं और अभी ही ये दे भी रहे हैं। तो ये दिस इज पीछे हट का मैजिकल जर्नी। आई थिंक हमने पीछे हट बहुत क्विक किया है, तो आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देखने वाले हो। पीछे हट मैंने वापस सुना ना रात को अदी के साथ, मुझे तब रियलाइज हुआ उसमें पता है क्या है कि ही इज पुटिंग दैट कॉइन एंड दैट डिस्प्ले स्टार्ट्स उससे। ओह गाना से प्ले हो रहा है और इसीलिए वो एंड हो रहा है, तब वो एक डिस्प्ले भी एंड हुआ था। मैं कह रही हूँ ना, हम लोग ने जब कहा था कि हम वापस देखते हैं, हमें लगता है आ रही ये चीज, फिर वापस देखते फिर पता चलता है ये चीज। तो अभी हमें और बहुत सारी चीजें पता चलेगी क्योंकि हम मैच नहीं देखने जा रहे हैं। बातें कट करना कुछ लोग से अनोइंगली पता भी नहीं चलता ये बोल देता है। ओके हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं आपको, आपको नहीं पता हमने कब शूट किया क्योंकि हाँ। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो ये काफी आगे पीछे होने वाला है, लेकिन हमने बहुत क्विकली ये वीडियो शूट किया इसलिए हम और ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब ये वरना लोग सोचेंगे तो इतना लेट अपलोड किया, ऊपर से एक्साइटमेंट का होता है। नहीं यार, आई एम टेलिंग यू आई लव्ड तलाल कुरैशी इन इट। तलाल कुरैशी मेन उसके हाईलाइट है। गाइस लेट्स स्टार्ट कुक स्टूडियो सीजन 14 पीछे हट। I know his name now. What is it? मैंने ढूंढ लिया। नाम बता। पासिंग करके कुछ मुझे बताती हूँ। दोस्तों मकसद है वो है सिर्फ enjoy करना। But with that it has a very interesting statement. मेरे लिए modern times में ये भी एक youth anthem है। जिसका नाम है पीछे हट। इसकी भी एक ऐसी एनर्जी है जो इन लोगों को अंदाजा नहीं है। तलाल को है, मुझे है, बट दे डोंट नो द हसन एनर्जी। पहुंच रहा है, आवाज ऑफ कर। आ जा। अच्छा He's so cool, यार। It's a very contagious bassline, I would say. Yeah, I'm really proud of it. Some percussions and the way I feel like I imagined like certain sounds to be hitting on like off timings and stuff. Yes. I don't think they were like expecting that. These are top quality musicians, you know. उन्होंने एक दिन में 2 घंटे, bro. जब पहली दफा तलाल ने प्ले की ये चीज, तब से you know I had that feeling this is something and I started dancing like anything. देखो अगर वो headbanging करता है तो क्या पता है game I can't relate to it. मतलब अपनी जिंदगी में सारे यही कह रहे होते हैं पीछे हट। सब खींचे टांगे फिर भी चाहे ना और समझे कि हम तो घबरा गए पीछे हट। हाँ पीछे हट।
जब मुझे कॉल आई थी ना तब से मैं एक्साइटेड हूँ और अभी तक मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं हो रही. मैं बस अभी मैं कराची जाऊँगी, अभी शूट होगा ये वो. हमारी झुक झुक में गाना है. बचपन से ही हम गाते हैं, लेकिन वैसे ऐसे पता नहीं था कि इतने पॉपुलर हो जाएंगे. जस्टिन बीबर की रेंज सुन के उनको माइक की जरूरत नहीं है, अच्छा मुझे जरूरत है उनको नहीं है. Told Hassan ki lyrics aapne likhne babies ke. So the great thing was he went back, he researched exactly everything about Hassan babies. He knows about them more than me now. Hassan Rahim ne isme jo bhi line likhi hai, jitni bhi pyari pyari line hai wo bahut achhi hai. Unhone hum pe bahut matlab socha hoga ki kaafi gaur kiya hoga ki in pe ye touch hota hai bhai, inko do ye. T-shirt का क्या मतलब? Make with. It's not something you know rude or anything. It's make with. This is like the first time someone else is playing my song. I was gonna cry at that moment. Okay, what am I doing right now? I don't have a backup. You know, I work on music 24/7. तो मेरे लिए ये तो मेरी ज़िंदगी है. फॉर मी टू बी माई सेल्फ ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, इससे बड़ी बात मेरे लिए तो अभी तक कोई नहीं. सिंस इट वाज़ अ बिग प्लेटफॉर्म एंड आई वांटेड टू गेट माय मदर टंग शीना, सिंस आई एम गिलगित, तो मैं अपनी ज़बान के कुछ एलिमेंट्स मैंने डाले. पहली लाइन है पूरो अलग है, उसका मतलब है कि सब कुछ अलग है, सही है जो हो रहा है. और मैं हाल पत्ता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. और मैं पन से ही पन जान, मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है बिल्कुल. और लांग बाबू टेर सब हट जाओ. दैट्स हाउ आई फिनिश द ब्रिज. दिस वाज द लास्ट जेम इन द वर्ल्ड. जबरदस्त यार, नाच के हमने खत्म किया. वैसे बात नहीं है, सुपर सॉन्ग. Bro, ये तो तुम्हारा कॉस्ट्यूम नहीं है ना. But I can still rock it. Yeah, I've got 15 hours. We're pressed for time. I'm really worried, but I think the guys look good. We have to do makeup. We have to roll in like 20 minutes. Nobody's dressed. Nothing's happening. I don't know what's happening. Let's get the show on the road. फिर भी इतना चला. वही ना. ये भी मैं घर ले जा रहा हूँ और पैंट भी घर ले जा रहा हूँ. कपड़े भी घर ले जा रहा हूँ. कपड़े कैसे हैं? फिट लग रहे हैं. आउटर स्पेस फील्स है. सारे फायर प्रकाशन गैंग. म्यूजिक इज डिफरेंट. The people are super young. I feel old. मुझे भी बताया था कुमार को भी ये वाइब स्पॉट ऑन है फॉर द सॉन्ग. इवन द वे एवरीथिंग इज डिजाइंड, द लाइट्स एंड ऑल, इट्स स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग.
it's like a revolution is coming, you know, the way the lyrically how they're talking, that these kids, it's their time. So I thought visually also the space should be kind of, if like a political party was planning a revolution in the back alleys, they were meeting and scheming. यार एक सेकंड बॉय मुझे लग रहा है बाल थोड़े से ना हाँ ये लो वाला आखिरी वाला जो वो कर लेता हूँ बाकी नहीं ठीक है फिर गुड बॉय जबरदस्त गॉड इज अच्छा प्रेज़ योर ओन आई नीड टू बी एज काम एज कूल एंड कलेक्टेड एज पॉसिबल राइट नाउ इंशाल्लाह फिट होगा अभी नहीं थके अभी तक काफी देर लगनी है In all my years of doing CS, there have been a lot of female artists and there have been a few people on the team. But I think this is the first song in the first season where there are so many female ADs, technicians, stylists, art directors. Only artists on set, please. इन लोगों को कोक को और आप लोगों को लगा कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठ के हम लोगों ने गाना किया है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं सो थैंक यू फॉर ऑल द लव We're loving this, bro. This is like the best time I'm having, honestly. Like, I've never had a time like this. बस मुझे बस अभी समय समय से खुशी हो रही है मैं दिखा नहीं रहा किसी को अपनी खुशी इसके पीछे ये हो रहा है Everybody is so cool. मेरी बात मान It's okay, Coke. The Matrix is now taking over. We're gonna go. Bye-bye. Bye-bye. That is so cool. That is so cool. अरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को बस इंस्टाग्राम पे ढूंढ के फॉलो करना था उनको तो आई गेस पसम नाम है उनका पसम आई डोंट नो तो उनकी स्टोरी में था यू नो कोई स्टोरी लेके डाला था यहाँ पे साइड में वो जो डांस कर रही है ना उनका शूट चल रहा है और साइड बाय साइड में सब लोग डांस कर रहे हैं कि ये गाना जब सेट पे बज रहा है ना सब कड़क वाइब डांस कर रहे हैं बहुत ही सही वाइब लव दैट बहुत आई थिंक इस गाने के पीछे जैसे हमने बाकी मैजिकल जर्नीज देखे सब में एक स्टोरी है बोलने का हाँ. इस गाने में इट इज ऑल अबाउट फन दिस इज जस्ट मिलेनियल एग्जैक्टली एक अपग्रेड है फॉर यू नो एक न्यू जनरेशन के लिए भी है इसमें कुछ इस बार के कोक स्टूडियो में द वंस हु आर लुकिंग फॉर यू नो वेरी ड्रिप काइंड ऑफ थिंग्स उनके लिए भी है इस बार वैसा सीन है इस बार हर इंसान के लिए कोक स्टूडियो के पास गाना उनका टेस्ट हार्टब्रेक लोनली हार्टब्रेक पॉप डीजे क्या है क्या नहीं है यार इन चैट्स से लेकर पूरा बीटीएस ऐसा लग रहा था हम एक कॉलेज ग्रुप को देख रहे हैं एक चिल व्लॉग देख रहे हैं सब अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं देयर इज नो स्ट्रेस सब कुछ एकदम चिल वे में चल रहा है सब खुश है कोई स्ट्रेस नहीं है वो बोल रहे हैं ना कितना जल्दी प्रिपेयर किया है वो कोई फ्रीक आउट कैसे नहीं कर रहा वो कितना कूल वे से आके मजाक कर रहे हैं आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इतना चिल और आप इतने प्यार से बात कैसे कर रहे हो 20 मिनट्स वर्क एंड द हैंड मेकअप फॉर दिस इज नॉट इजी इसमें बहुत सारा तामझाम है हसन रहीम ऑलरेडी ना हमने जब ऐसे कैसे में सुना था ना ही वॉज लोफाई ही वॉज यू नो वियर्डली एब्स्ट्रैक्ट उस टाइप के हमें ऑलरेडी वो लग रहे थे अब इसमें और भी लग रहे हैं यू नो विद द फेस ही कीप्स एक कैमरा के लिए
suits him. It suits the vibe of the song. Yeah. Vaisa. And जैसे कि you know Zulfi dance कर रहे हैं भाई. Zulfi आज बहुत ज़्यादा dance कर रहे हैं. Zulfi ने आज छोटे से black भी नहीं पहना. Zulfi ने red पहना है. Oh yeah. Zulfi all chill, all enjoying. Color mode on. And उनकी line बहुत अच्छी थी. उन्होंने कहा था कि the set and everything should speak the language. Language of the music. Yes, it does. कितना अच्छा था मतलब कि तो इतना इतनी डीप लाइन हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती हम रवि हमें अभी लेकिन अभी ये दिमाग में रखना ये लाइन ठीक है अब नेक्स्ट रिव्यू में हम ये लाइन कभी तो घसेंगे क्या क्योंकि एक्चुअली इट्स अ डीप लाइन लैंग्वेज ऑफ द म्यूजिक इज साउंड या वाओ नोट डाउन करने पड़ेंगे मुझे नहीं पता था कि जो जस्टिन बीबी इसका लाइन है वो भी हसन रहीम ने ही हाँ, उन्होंने बोला ना कितना रिसर्च किया करने के बाद चार लाइन भी बीबी ने भी बोला है कि मतलब जो हमें दिया गया है उन्होंने कितना सोचा होगा वो उनकी स्टोरी इट स्पीक्स अ स्टोरी उन्होंने उस तरीके से लिखा है यार एंड जस्टिन बीबीज का भी जो फुल आई लव दैट यार उनको एक फुल क्लोजअप यहाँ पे भी उन्हें अप टू डाउन शॉट देना चाहिए था जहाँ पे हम देख सके उन्होंने ओवरऑल क्या पहना बिकॉज यू नो ये परांठा और फिर ये लैशेस पिंक कलर के लॉन्ग सब कुछ बहुत कूल ड्रेसिंग थी उन सभी की कूल थी यार बहुत ही ज्यादा म्यूजिक रिलेटेड आई एम टेलिंग यू नाउ इट्स गोइंग अनदर लेवल एंड जैसे यू नो जस्टिन बीबीज जैसे वो नॉर्मली दिख रहे थे बहुत एकदम सिंपल छोटे शहर के बोल में रहते हैं एक साइड वाली वो उसके अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस था ऑफकोर्स उनका अच्छा ही था लेकिन वो उधर जो दिख रहे थे स्टेज पे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब यू नो कितना डिफरेंट एंड दे वर लुकिंग सो नाइस मतलब आई फील मैंने जितना पीछे हट के म्यूजिक वीडियो में उनको ज्यादा इतना मतलब मुझे ये नहीं लगा जितना अभी लगा क्योंकि आई थिंक मे बी हमने उनको ज्यादा देखा ज्यादा जाना उनको एंड उनका मतलब इस बार हमने फोकस उनके म्यूजिक पे नहीं किया था बिकॉज हम उन्हीं को देख रहे थे तो वाओ दे आर लुकिंग सो कूल दे आर सो कूल उनकी आवाज यार बहुत ही सही है अनदर अमेजिंग मैजिकल जर्नी एंड ऐसा लग रहा है हमारा रिचुअल हो चुका है हम पहले म्यूजिक वीडियो करेंगे फिर मैजिकल जर्नी करेंगे हम वेट करते हैं मैजिकल जर्नी का एंड द वर्स्ट थिंग इज वी हैव टू वेट अरे मिलो फिर मैजिकल जर्नी देखो पर जब मैजिकल जर्नी देखते हैं ना इतना मजा आ जाता है इतना ज्यादा मजा आ जाता है एड्स अप टू एवरीथिंग सच में फुल 360 एस्पेक्ट इतना बढ़ जाता है ना So guys, thank you for watching our video. We had a great time. Thank you so much. Take care. Stay safe. Bye. Bye guys. Take care.